दो शेर और उनका पुनर्जन्म। एक घने जंगल में एक बिंदु नाम की काली चीते ने दो काले चीतों को जन्म दिया, जिनका नाम था रुद्र और शिवा। एक दिन वो चीता अपने दोनों बच्चों से बोलती है, बच्चों तुम लोगों को भूख लग रही होगी ना, मैं अभी तुम लोगों के लिए खाने को लेकर आती हूँ। बिंदु को बहुत देर हो जाती है लेकिन वो नहीं आती। इससे उसके दोनों बच्चे घबरा जाते हैं और भूख के कारण रोने लगते हैं। तभी रुद्र शिवा से बोलता है, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा भाई, चल हम माँ को देखने चलते हैं। माँ कहाँ है? हाँ भाई, माँ को ढूंढते हैं, चलो। फिर दोनों अपनी माँ को ढूंढने जाते हैं। तभी सामने से सियार दौड़ता हुआ आता है और वो रुद्र और शिवा से बोलता है, अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम लोग अपनी माँ को ढूंढने जा रहे हैं। अरे जल्दी चलो यहाँ से, उधर एक शिकारी आया है, उसने तुम्हारी माँ को मार डाला। जल्दी तुम लोग भी यहाँ से भागो, नहीं तो तुम दोनों को भी मार डालेगा। रुद्र और शिवा वहाँ से भाग जाते हैं। वो दूसरे जंगल जाते हैं और किसी गुफा में रहने लगते हैं। फिर रुद्र शिवा से बोलता है, भाई अब हमारा क्या होगा? माँ का तो शिकार हो गया, माँ में छोड़कर चली गई। हाँ रुद्र भाई, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारा ध्यान रखने वाला। इस तरह कई दिन बीतते चले जाते हैं। रुद्र और शिवा धीरे धीरे बड़े हो गए थे और अब दोनों बहुत ताकतवर थे। एक दिन दोनों भोजन की तलाश में दूसरे जंगल जाते हैं। तभी उनको वहाँ एक शेरनी दिखाई देती है। वो शेरनी जैसी ही रुद्र और शिवा को देखती है उनसे बोलती है, तुम दोनों कहीं रुद्र और शिवा तो नहीं हो ना? हाँ, पर आप हमारा नाम कैसे जानती हैं? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि तुम दोनों को भगवान ने वापस मुझे दे दिया। भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम आपके बच्चे नहीं। हमारे पिता की मृत्यु तो बहुत पहले हो गई थी और हमारी माँ को किसी ने शिकार में मार डाला, तब से हम दोनों भाई अकेले हैं। नहीं नहीं, तुम मेरे रुद्र और शिवा हो, तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, पिछले जन्म में तुम दोनों मेरे बच्चे हुआ करते थे। पर हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, ना ही विश्वास हो रहा है। मैं तुम सबको सारी बात बताती हूँ, तब तुमको विश्वास होगा। एक दिन तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने तुम दोनों को उनकी देखरेख में रखा और अपना खाना तलाश करने चली गई। और जब मैं वापस आई तो देखा कि वहाँ एक शिकारी था और वो तुम तीनों को मार चुका था। तब से मैं उन शिकारियों को ढूंढ रही हूँ ताकि तुम्हारे पिता की मौत का बदला ले सकूं। अब लगता है भगवान ने मेरी सुन ली और तुम दोनों का पुनर्जन्म हुआ है। पर हमें विश्वास नहीं होता, क्या तुम वाकई सच बोल रही हो? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, पिछले जन्म में तुम दोनों मेरे ही बच्चे थे। फिर भी तुम दोनों को विश्वास नहीं होता तो तुम्हें वो जगह पर ले चलती हूँ जहाँ हम सब पहले रहा करते थे। शेरनी रुद्र शिवा को लेकर उस जगह पर जाती है जहाँ वो पहले उनके साथ रहा करती थी। रुद्र और शिवा सारी जगह देखते हैं। फिर शिवा कहता है, रुद्र ऐसा लग रहा है जैसे हम इस जगह को जानते हैं। हाँ हाँ शिवा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ हम पहले आ चुके हैं। फिर शिवा और रुद्र सारी जगह घूमते हैं। फिर उनको भी विश्वास हो जाता है कि उनका पुनर्जन्म हुआ है और दोनों शेरनी से बोलते हैं, हाँ माँ, अब हमको आपकी बात पर भरोसा हो चुका है कि हम तुम्हारे बच्चे हैं। हम अपने पिता की मौत का बदला जरूर लेंगे, उस शिकारी ने उस जन्म में भी हमारी बिंदु माँ को मार डाला था, अब उनकी मौत का भी बदला लेना है। और फिर उस दिन के बाद से रुद्र और शिवा दोनों उस शिकारी की तलाश करने लगते हैं। और एक दिन ऐसा आया कि वो शिकारी शेर की तलाश में जंगल आया था और वो शिकारी रुद्र और शिवा की माँ को देख लेता है और शेरनी का पीछा करने लगता है। तभी रुद्र उसे देख लेता है, भाई वो देख, वो शिकारी वो हमारी माँ का पीछा कर रहा है, इससे पहले कि वो माँ को कुछ करे हमें उसको मार देना चाहिए।
फिर दोनों मिलकर उस शिकारी पर हमला कर देते हैं और कुछ ही समय में वो शिकारी वहीं खत्म हो जाता है। फिर कुछ समय में शिवा और रुद्र की माँ भी आ जाती है। माँ देखो, हमने इस शिकारी को मार दिया और अपने पिता और माँ बिंदु की मौत का बदला ले लिया। अब तो आप खुश हो ना माँ? हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों को पाकर। अब चलो घर चलते हैं। फिर तीनों अपने घर जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। बड़ा एप और लायन। एक जंगल में बड़ा एप अपने दोस्त हाथी, बंदर, सुअर और हिरन के साथ रहता था। एक दिन एक शेर किसी दूसरे जंगल से आता है। सभी प्रकार के जानवर देखकर उसके मुंह में पानी आता है और वो सोचता है, अरे वाह, ये जंगल तो कई अलग अलग प्रकार के जानवरों से भरा पड़ा हुआ है। मेरे जंगल में शिकार के लिए ऐसे जानवर तो नहीं मिलते। आज से मुझे इसी जंगल आकर अपना शिकार करना होगा। ऐसा सोचकर शेर अपने जंगल वापस चला जाता है। दूसरे दिन वो फिर से चुपके से जंगल आता है। शेर उस दिन एक हिरन का शिकार करता है। और वहां से चला जाता है। ऐसा वो हर रोज करने लगता है। एक दिन उसे बड़े एप की दोस्त हिरन दिखाई देती है। वो चुपके से उस पर नजर रखने लगता है, पर तभी हिरन भी उस शेर को देख लेती है और वो वहां से भागकर अपने दोस्त के पास जाती है। अरे ये क्या, इस हिरन ने कहीं मुझे देख तो नहीं लिया? मुझे अब संभाल कर शिकार करना होगा। उस दिन शेर बिना शिकार करे वहां से वापस चला जाता है। हिरन भागते भागते अपने दोस्तों के पास जाकर कहती है, अरे अरे दोस्तों, हमारे जंगल में शेर आया है। मैंने अभी उसे देखा है। अरे चल झूठी, हमारे जंगल में कोई शेर वेर नहीं है। तुमने ही किसी दूसरे जानवर को देखा होगा और उसे शेर समझ बैठी होगी। हाँ, वैसे इसे आंखों से कम ही दिखाई देता है। कल तो ये बड़ी बिल्ली को बाघ समझ रही थी। अरे अरे हिरन, आज का अप्रैल फूल है क्या जो अपने दोस्तों को ही बना रही हो? अरे आप लोग मेरा विश्वास रखो, मैं सच कह रही हूँ। हमें अब बहुत ही सावधानी से रहना होगा। बड़े एप के साथ साथ सब दोस्त हिरन पर ही हंसने लगते हैं, उसकी बात पर विश्वास नहीं रखते हैं। ऐसे ही कुछ दिन चले जाते हैं। शेर हर बार जंगल आता और शिकार करके चला जाता था और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती थी। अब जंगल के जानवर कम होने लगे। ऐसे में एक दिन शेर ने बड़े एप के दोस्त सुअर का शिकार करके खा लिया। सारे दोस्त सुअर के लिए दुखी रहते हैं। वो एक जगह पर मिलकर बात करने लगते हैं कि तभी हिरन कहती है, मैं कह रही थी ना कि शेर आया है जंगल में, पर तुम लोगों ने उस वक्त मेरा मजाक उड़ाया। देखो क्या हुआ, आज हमारा दोस्त सुअर हमारे साथ नहीं रहा। हाँ हिरन, सच में काश हमने तब तुम्हारे बातों पर विश्वास रखा होता तो ये सब नहीं होता। पर अब हम क्या करें? कैसे उस शेर को पकड़े और उसे अच्छे से सबक सिखाए? उसे पकड़ने के लिए हमें कोई अच्छी योजना बनानी होगी। वो सारे दोस्त सोचने लगते हैं। तब बड़ा एप कहता है, सुन बंदर, तुम उस शेर पर नजर रखो, वो कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, तभी हम उसे पकड़ सकते हैं। दूसरे दिन बंदर जंगल में चौकन्ना होकर शेर पर नजर रखे हुए रहता है। वो शेर को दूसरे जंगल से आते देखता है और ये बात जाकर वो अपने दोस्त बड़े एप को बता देता है। उन सबको शेर के आने जाने का समय और ठिकाना पता चल चुका था। तब बड़ा एप हिरन से कहता है, सुन हिरन, कल तुम्हें कैसे भी करके शेर को यहाँ तक अपने पीछे भगाते हुए लाना होगा। मैं यहाँ पर उसके स्वागत का पूरा इंतजाम करके रखता हूँ। दूसरे दिन जानबूझकर हिरन शेर के रास्ते पर रहती है। शेर हिरन को देखकर उसका शिकार करने उसके पीछे भागने लगता है। हिरन भी उसे भगाते भगाते प्लान के मुताबिक उस जगह तक लाती है जहाँ बड़ा एप और हाथी शेर के आने का इंतजार करते रहते हैं। उन्होंने शेर के लिए वहाँ जाल बिछाए रखा था।
जैसे ही शेर उस जगह आता है, वैसे ही बड़ा एप और हाथी शेर को जाल में फंसा कर उसे पेड़ से लटका देते हैं। अरे बाप रे, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। तब बड़ा एप शेर से कहता है, क्यों? जब तुमने हमारे दोस्त सुअर का शिकार किया तब तो तुम्हें बहुत खुशी हो रही थी ना, अब तो हम तुम्हारे साथ भी वही करेंगे। जंगल के बाकी जानवरों को भी ऐसे ही फंसा कर ही तो शिकार करते हुए आ रहे हो ना तुम, अब अपने किए की सजा भुगतो। तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार तुम खुद हो, पर आज मुझे तुम पर दया आ रही है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। पर याद रखना, फिर कभी इस जंगल की तरफ आंख उठाकर मत देखना, उस वक्त मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बड़ा एप शेर को उसके जंगल छोड़ देता है और फिर से वो सारे दोस्त मिलजुल कर जंगल में रहने लगते हैं। जंगल में एक भेड़िया था जो बहुत ही घमंडी था। वो जंगल के जानवरों को हमेशा कुछ ना कुछ कहकर उन्हें तंग करते रहता। एक दिन भालू और हाथी जंगल में घूम रहे थे कि तभी भेड़िया उनके सामने आता है और कहता है, अरे ये क्या, दो पर्वत एक साथ कहाँ जा रहे हैं? ये बात सुनकर हाथी को बहुत गुस्सा आता है। अरे ओ भेड़िये, जुबान पर लगाम दे, समझा? क्या तू अपने आप को नहीं देखता? अरे इसमें समझने की क्या बात है, मैं इस जंगल का बहुत ही ताकतवर आदमी हूँ और फुर्तीला जानवर भी। देखो अपनी ताकत का इतना भी घमंड ठीक नहीं है। ये कहकर भालू और हाथी वहां से चले जाते हैं। तब भेड़िया अपने मन में सोचता है, हाँ हाँ ये दो पर्वत मुझे देखकर डर गए और चले गए। यूं वो सोच ही रहा था कि उसकी नजर एक हिरण पर पड़ती है। वो हिरण को देखकर कहता है, अरे वाह हिरण, इसे खाकर तो बड़ा मजा आएगा। ये सोचकर भेड़िया हिरण का शिकार करने आगे बढ़ता है और हिरण वहां से भाग जाती है। भेड़िया भी उसका पीछा करता है। यूं भेड़िया भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाता है। वो गड्ढा एक जादुई गड्ढा था। भेड़िया उस गड्ढे में गिरते ही एक विशाल खूनी भेड़िए में बदल जाता है और भेड़िया अपने रूप को देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं इस जंगल का राजा हूँ और मैं जिसे चाहूँ उसका शिकार कर सकता हूँ, चाहे वो जंगल का शेर हो या खरगोश, अब सब मेरे गुलाम हैं। यूं वो जंगल में बेवजह शिकार करने लगता है। उसने बाघ और शेर का भी शिकार कर दिया। जंगल के सारे जानवर उस विशाल खूनी भेड़िए को देखकर डर गए थे। जानवर डर के मारे अपनी अपनी गुफाओं में रहने लगे। उसने हाथी को भी घायल कर दिया था। ये देख भालू बोला, अरे इस खूनी दरिंदे ने मेरे दोस्त का क्या हाल कर दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। भालू की ये बात सुनकर वहीं पेड़ पर बैठा भालू का दोस्त उल्लू भालू से कहता है, अरे दोस्त तुम कैसे उस खूनी भेड़िए का सामना करोगे? हाँ पर हम यूं हाथ पर हाथ धरे भी तो नहीं बैठ सकते, अगर हम ऐसे ही चुप रहते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब जंगल के सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। यूं वो दोनों बात कर ही रहे थे कि वहां पर कौआ आता है और कहता है, दोस्तों हमारे जंगल में दक्षिणी दिशा में एक जादुई पेड़ है, तुम दोनों उस पेड़ से मदद मांग सकते हो, वो जरूर हमारी मदद करेगा। वो तीनों मिलकर जादुई पेड़ के पास जाते हैं। भालू सारी बात पेड़ को बताता है। तुम लोग परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियां देता हूँ जिससे तुम शक्तिशाली हो जाओगे। ये कहकर जादुई पेड़ भालू और उल्लू को मिला देता है। भालू और उल्लू एक विचित्र शक्तिशाली रूप धारण कर लेते हैं। जैसे ही तुम दोनों उस भेड़िए के सामने जाओगे
तुम दोनों एक हो जाओगे और तुम में ढेर सारी शक्तियां आ जाएंगी। भालू और उल्लू पेड़ का धन्यवाद करते हैं और वहां से चले जाते हैं। इधर खूनी भेड़िया जंगल में आतंक मचा रहा था। भालू भेड़िया से कहता है, अरे ओ भेड़िए, अपनी हरकतों से बाज आ जा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। ओ भालू, लगता है तुझे तेरी मौत से डर नहीं है। मौत को करीब से देखकर तेरी मत मारी गई है, जो तू मुझसे जबान लड़ा रहा है। अरे किसकी मौत किसके सामने है, ये तो वक्त ही बताएगा। उल्लू और भालू की बात से भेड़िये को बहुत गुस्सा आता है और वो उन पर हमला कर देता है। जैसे ही वो हमला करता है, उल्लू और भालू दोनों एक हो जाते हैं और अपनी शक्तियों से भेड़िये पर हमला करते हैं। भेड़िया उन दोनों के रूप को देखकर डर जाता है। उल्लू और भालू मिलकर खूनी भेड़िये से लड़ने लगते हैं। दोनों मिलकर भेड़िये को मार देते हैं। जंगल के सारे जानवर उल्लू और भेड़िये का शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरह से फिर से उस जंगल में खुशियां और शांति लौट आती है और अपने अपने रूप में आ जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू। जंगल में तीन मुंह वाला सांप, ईगल, शेर की कहानी। जंगल में चहल पहल थी। कोई जानवर अपने कामों में लगे थे तो कोई एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि अचानक वहां तीन मुंह वाला भयानक सांप आता है। उसे देखकर सब डर जाते हैं, भागो भागो कहकर भागने लगते हैं। तब सांप कहता है, भागो भागो, पर कहां तक भागोगे? मैं तो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। हंसते हुए सांप ने अपनी पूंछ से एक जानवर को पकड़ लिया और उसे मार कर खा गया। उस दिन के बाद से तीन मुंह वाला सांप कभी भी आता और छोटे या बड़े जानवरों को मार कर खा जाता। अब तो सारे जानवर डर के मारे घर के बाहर ही नहीं निकल रहे थे। ये जानवर कितना भी मुझसे छिपने की कोशिश कर ले, पर मैं तो अपना शिकार करना अच्छे से जानता हूँ। तीन मुंह वाला सांप बहुत ही क्रूर था। वो तो घर में घुस कर भी अपना शिकार ढूंढ लेता था और उसे मार कर खा जाता था। सारे जानवर अपनी समस्या लेकर शेर राजा के पास जाते हैं। तब खरगोश कहता है, शेर राजा, हमारे ऊपर बहुत बड़ी समस्या आई है। तीन मुंह वाले सांप ने हमारा जीना हराम कर दिया है। क्या कहा, तीन मुंह वाला सांप? सेनापति, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने तो मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। शेर का सेनापति एक ईगल था। वो शेर राजा से कहता है, महाराज क्षमा कीजिए, वो तीन मुंह वाला सांप बहुत ही भयानक और ताकतवर है। वो कुछ भी हो, तुमको उससे मुझसे मिलने के लिए कहना है, मैं देखता हूँ फिर उसे। ईगल तुरंत शेर का संदेशा लेकर तीन मुंह वाले सांप के पास जाता है और शेर महाराज से मिलने बुलाए जाने की ये बात उसे बताता है। तब तीन मुंह वाला सांप कहता है, कौन राजा? मैं किसी राजा को नहीं जानता। और हाँ, तुम्हारे महाराज जो मुझसे मिलना चाहते हैं तो उनसे कहो कि वो मुझसे मिलने आए, मैं नहीं आऊंगा। ईगल सांप की ये बात जाकर शेर को बता देता है। शेर को तीन मुंह वाले सांप पर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से सांप से मिलने जाता है और कहता है, अरे मूर्ख सांप, आखिर तुम्हें किस बात का घमंड है? यूं जंगल के जानवरों को डराकर उनका शिकार करने में क्या खुद को बहुत ताकतवर समझ रहे हो? हिम्मत है तो मुझसे लड़ाई करो। शेर के ललकारने पर सांप शेर से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। उन दोनों में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। पर उस लड़ाई में शेर की ताकत तीन मुंह वाले सांप से कम गिरती है और वो घायल हो जाता है। शेर वापस अपनी जान बचाते हुए अपनी गुफा में आता है। तब शेर ईगल से कहता है, सेनापति, वो सांप बहुत ही ताकतवर निकला। समझ नहीं आ रहा कि उससे जानवरों की रक्षा कैसे करूं, उसे जंगल से कैसे भगाएं। शेर की चिंता देखकर ईगल कहता है, महाराज मेरे पास एक शक्ति है जो मुझे एक बार साधु बाबा की मदद करने पर मिली थी।
आज हम उस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। कौन सी शक्ति जल्दी बताओ। उस शक्ति में हम दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे और दोनों की शक्तियां बढ़ जाएंगी और हम विशाल बनकर तीन मुंह वाले सांप को मार सकते हैं। ईगल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। एक रोशनी के साथ ईगल और शेर एक साथ जुड़ जाते हैं। वो विशाल ईगल शेर बन जाते हैं और इस वजह से दोनों की ताकत भी बढ़ जाती है। अब विशाल ईगल तीन मुंह वाले सांप पर भारी पड़ता है और उन दोनों को ऐसा देखकर सांप हैरान हो जाता है और कहता है, अच्छा अकेले मुझको जीत नहीं सके तो ऐसे विशाल ईगल शेर बनकर आए हो, पर तुम मेरे सामने अभी भी कुछ नहीं। और उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार तीन मुंह वाला सांप विशाल ईगल शेर से कमजोर पड़ता है। बार बार वार से वो अब उठ भी नहीं पा रहा था और वहीं पर मर जाता है। इस तरह से विशाल ईगल शेर ने तीन मुंह वाले सांप का खात्मा कर दिया। सारे जानवर फिर से एक बार खुशी खुशी जंगल में रहने लगे और जब कभी जंगल पर मुसीबत आती, ईगल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जंगल की रक्षा करता। जादुई बाज और शेर की कहानी। कुछ समय पहले की बात है, एक जंगल में शेर और बाज बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन शेर बहुत ही स्वार्थी था और बाज बहुत ही निस्वार्थ भाव का था। एक दिन शेर और बाज शिकार के लिए निकलकर कहीं जा रहे थे। एक जगह पर रुककर शेर ने अपने मन में सोचा, मेरा दोस्त तो बेवकूफ है, मैं जो भी कहूंगा वो आंख बंद करके मान लेगा, इसलिए मैं बीमारी का बहाना बना लूंगा, फिर मेरे लिए उसको खाना लेकर आना पड़ेगा, मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या हुआ दोस्त, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं दोस्त, इस जंगल में हमारी दोस्ती अनोखी है, हम जिसे चाहे उसे शिकार करके आराम से अपना जीवन बिताएंगे। हाँ दोस्त, जीवन भर ऐसे ही मिलजुल कर रहेंगे, चलो शिकार पर चलते हैं। दोस्त आज मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, पता नहीं क्यों चल भी नहीं पा रहा, तुम जाओ। ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। इस तरह बाज खाना ढूंढने के लिए निकल गया। कुछ देर बाद उसे एक जगह पर खरगोश दिखाई देता है। वाह, इसका शिकार करने से पहले मेरे दोस्त की भूख मिटाऊंगा, फिर मैं खाऊंगा। ये कहकर खरगोश को शिकार करके वो पहले शेर के पास लेकर जाता है। दोस्त ये लो, ये तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आया हूँ मैं। थैंक यू दोस्त, मुझे बहुत भूख लग रही थी। कहकर शेर फटाफट पूरा मांस खा जाता है, लेकिन बाज देखते रहता है। दोस्त मुझे और भूख लगी है, प्लीज एक और खरगोश ला दो ना। ठीक है दोस्त, ये कहकर बाज दूसरे खरगोश का शिकार करने ले आता है। फिर शेर उसे खा जाता है, बाज का बिल्कुल ख्याल नहीं करता। दोस्त क्या अब तुम्हारी भूख मिट गई? कहाँ दोस्त, इतने बड़े पेट में छोटे छोटे खरगोश काफी नहीं है। अच्छा फिर मैं एक और लेकर आता हूँ। नहीं दोस्त, आज के लिए इतना काफी है, तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर मेरे भाग तो खुल गए। अच्छा ये बताओ तुमने कुछ खाया कि नहीं? नहीं दोस्त, अभी जाकर कुछ खाता हूँ, कहकर बाज वहाँ से चला जाता है। फिर शेर अपने मन में सोचता है, है ना कितना बेवकूफ, मेरा बहाना सुनते ही मेरे लिए खरगोश का शिकार करके ले आया, अब से हर दिन ऐसा ही करूँगा, इसी तरह नाटक करके अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना मंगवाऊंगा, आज से शिकार करने की कोई ज़रूरत नहीं। कहकर शेर खुश होता रहता है। कुछ देर के बाद खाना ना मिलने के कारण बाघ भूखा ही लौटकर शेर के पास आता है। दोस्त अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या बताऊँ, बहुत कमजोरी है और पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं चल भी नहीं पा रहा। तुम चिंता ना करो, यहाँ करीब ही एक गुफा है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ, वहाँ तुम आराम कर लेना, आज से तुम्हें शिकार करने की ज़रूरत नहीं,
मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, मैं तुम्हारे लिए प्राण भी दे सकता हूँ। इस तरह दोनों मिलकर गुफा के पास जाते हैं। कुछ समय बाद वहां एक चुड़ैल प्रत्यक्ष होती है। आइए आइए, मेरी गुफा में आपका स्वागत है। लेकिन यहाँ रहने के लिए एक को ही मौका मिलेगा, बताओ कौन रुकना चाहता है? मेरे दोस्त की तबीयत खराब है, इसलिए कृपया करके उसे अपने साथ रहने दो। इसका एक ही उपाय है, मैं आप दोनों को एक कर दूंगी और कुछ जादुई शक्तियाँ भी दूंगी। ये कहकर चुड़ैल बाज और शेर को बुलाकर मैजिकल ईगल लाइन में बदल देती है। आज से आप दोनों मिलजुल कर अपना जीवन बिताना, आराम से रहना। बाप रे, ये रूप तो बहुत भयंकर है और इतना बड़ा शरीर के साथ मैं उड़ नहीं सकता। डरो मत, आराम से उड़ सकते हो, एक बार कोशिश करो। ऐसा कहकर वो गुफा के बाहर निकलकर उड़ने की कोशिश करता है और वो उड़ने लगता है। बाप रे, ये कितना भयंकर है, बाज और शेर के रूप में एक अनोखा आकार। चलो यहाँ से भागो। हाँ हाँ, हमारे करीब आ रहा है, चलो भागो। कहकर सारे जानवर भागते रहते हैं। इतने में मैजिकल बाज यहाँ पर आकर एक खरगोश को उठाकर गुफा में ले जाता है। मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन लाए हो, मैं इसे खा जाऊंगा, मैं इसे खा जाऊंगी, तुम दूसरा ढूंढ लेना। ठीक है। इस तरह वो फिर से शिकार पर जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद बाज और शेर का शरीर अलग अलग होकर कुएं में गिर जाता है। हाय रे, अब मैं बाहर कैसे निकलूं? बचाओ बचाओ, शेर जोर जोर से चिल्लाता है। इतने में बाज कुएं के पास आता है। दोस्त, उस चुड़ैल ने हमें धोखा दिया, हमें जुदा कर दिया। नहीं दोस्त, मैंने तुम्हें धोखा दिया, बीमारी का बहाना बनाकर तुमसे खाना मंगवाकर बिना मेहनत के आराम से जीवन बिताना चाहता था, और इसीलिए मुझे उस चुड़ैल ने अच्छी सजा दी। मुझे माफ़ कर दो दोस्त। मैं तुम्हें बचा लूँगा दोस्त, धैर्य से काम लो। लेकिन इतने में पानी में डूबकर शेर मर जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने स्वार्थ के लिए बिना सोचे समझे अपने दोस्तों को धोखा नहीं देना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।